आप भी खेलते हो क्या? बॉलिंग और अंदर ये शो खेला आपने? किस स्कूल से आप? इमली कैप्टन हो? काफ़ी बड़ा एक टूर्नामेंट होने को जा रहा है एंड करीबन 85 इसमें टीम्स हैं एंड मुख्तलिफ गेम्स यहाँ पे खेले जाएंगे एंड बहुत अच्छा ग्राउंड है, बहुत अच्छे प्लेयर्स यहाँ पे आए हैं, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से आए हैं एंड उम्मीद है इंशाल्लाह कि अच्छा टूर्नामेंट चलेगा एंड मुझे उम्मीद है और भी कि जहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स है, खासकर जहांगीर स्पोर्ट्स एसोसिएशन को इरफान हेड कर रहा है, दूसरे भी ऑर्गेनाइजेशन का हेल्प है या दूसरी बाकी जो टीम है सपोर्ट काउंसिल से जो भी दूसरे हैं, सभी अपने अपने लेवल से अपना इसमें रोल निभा रहे हैं एंड उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छा टूर्नामेंट चलेगा और बच्चों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है एंड हमारी यही कोशिश रहे कि बच्चे ज़्यादा खेलें एंड अपने आप को फिट रहें ताकि इनका फ्यूचर भी अच्छा रहे। प्यासो रहो ना दश्त में बारिश के मुंतजिर, मारो जमीन पे पाँव की पानी निकल आए। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड स्टार्ट बाई आई डोंट नो हूसोवर हैज स्पॉन्सर्ड दिस प्रोग्राम। जहांगीर स्पोर्ट्स एसोसिएशन, मुझे लगता है वो शाबाशी के हकदार हैं अभी आज की डेट में, जिन्होंने कुछ यूथ्स को जमा करके यहाँ पे एक वो ये जो फेस्टिवल है, कार्निवल है, जो उसका इनॉग्रेशन किया आज यहाँ पे। अलबत्त ये चीज़ है कि ये सिर्फ इनॉग्रल तक महदूद नहीं रहना चाहिए। आई थिंक मोर एंड मोर यूथ शुड कम एंड दे शुड इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी। दिस इज़ द ओनली वे आउट, जहाँ पर आज की सोसाइटी में वी आर बीइंग सीन, यूथ पर्टिकुलर इज बीइंग सीन ऑन अदर पैरामीटर्स लाइक ड्रग इन्वॉल्वमेंट में, बाकी चीज़ों में, नेगेटिविटी में। आई थिंक दिस इन फैक्ट अ पॉजिटिव अप्रोच। वी शुड ऑल कम एंड सपोर्ट दिस इवेंट एंड वी शुड कैरी ऑन विद दिस इवेंट्स फॉर आवर यूथ, फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन टू कम ओवर एंड इन फैक्ट इट्स अ वेरी गुड स्टेप। सबसे पहले शुक्रिया, आपसे बात करने का मौका मिला है। हम हर साल इवेंट कर रहे हैं, 2020 से हम करते आए हैं। मकसद हमारा ये है कि जो छोटे छोटे बच्चे एथलीट्स इवेंट में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, इसलिए हमने फ्री ऑफ कास्ट रखा है जहांगीर स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने, कि उनको मौका मिल जाएगा आगे जाने का। तो यहाँ तो सब खाली क्रिकेट है, मगर जो एथलीट्स हैं ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। एक खाली एक एसोसिएशन कर रहा है वो जहांगीर स्पोर्ट्स एसोसिएशन, जो लोगों को मौका फराहम कर रहे हैं आगे जाने में, इसीलिए हम ये सपोर्ट्स एथलीट्स रखते हैं। कबड्डी, ट्रैक, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, ये हमें रखते हैं आगे जाए और उनका टैलेंट आगे जाए। इरफान साहब, अगर हम बात करें, सबसे पहले मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिन लोगों ने हमें इसमें सपोर्ट किया। ये हर जगह होने चाहिए, जैसे आज हमारे जहांगीर में हुआ है, सोपोर में हुआ है। मुझे मेरे कहने का मकसद है पूरे कश्मीर में होना चाहिए, ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। आज के मतलब इस इवेंट में पूरे कश्मीर के जो अनंतनाग, बारामूला, बांडीपुरा, कुपवारा, इन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है, यूथ ने हिस्सा लिया, छोटे छोटे बच्चों ने हिस्सा लिया है। मुझे लगता है ये पूरे कश्मीर में होना चाहिए, जिस तरह से हमने आज ये काम किया है। हम कई 3 सालों से काम करते आ रहे हैं, 2020 से 2022 में, और आज भी करवाए। इंशाल्लाह हमारी प्रोसेस जारी रहेगा, कंटिन्यूसली हमारा ये सपोर्ट इवेंट जारी रहेगा। मुझे लगता है इसके बाद हम जो काम शुरू होने वाला है, काम के बाद हम एक छोटा सा ऐसे इवेंट करेंगे, वो हम अपने लेवल पे करेंगे और इंशाल्लाह हमारा जहांगीर का नाम भी रोशन हो जाएगा, सोपोर का नाम भी रोशन हो जाएगा। इंशाल्लाह आवाज़ यहाँ से निकलेंगे कि एथलीट जो गेम है ये सोपोर से शुरू होगी, इंशाल्लाह आगे बढ़ जाएंगे।